भगवान सदर अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल करने के बाद उत्पादित ऑक्सीजन सैंपल को जांच के लिए भेजा गया पटना मुख्यालय। ऑक्सीजन प्लांट के मिस्त्री ने बताया, भगवान ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर तैयार हो रहा है लिक्विड ऑक्सीजन। मोहनिया में सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की छात्राओं को सोमवार से अनुमंडलीय अस्पताल में 60 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ शुरू। प्रिंसिपल विनोद सिंह ने बताया, डरवा स्थित मेडिकल कॉलेज की सत्र 2019-21 की छात्राओं को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के सभार गांव में ग्रामीण कलाकारों ने सर्कस के माध्यम से जिलेवासियों को शराब न पीने का दिया कलात्मक संदेश। करमचर थाना क्षेत्र के सभार गांव में महावीर मंदिर के पास कलाकारों ने शराब मुक्ति अभियान को लेकर दिखाया सर्कस का खेल। मोनिया उत्पाद चेक पोस्ट से वाहन जांच के दौरान एक कार से 33 बोतल शराब के साथ दो आर्मी जवान व चालक को मोनिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची निवासी दोनों आर्मी के जवान व कार चालक वाराणसी कैंटीन से लेकर आ रहे थे 33 बोतल अंग्रेजी शराब। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भभुआ शहर में स्थित नगर पालिका मध्य विद्यालय का जर्जर भवन का निरीक्षण कर जीर्णोद्धार करने की कही बात। मंत्री ने बताया, 1972 में निर्मित विद्यालय का नवीकरण के साथ उर्दू की पढ़ाई भी शुरू कराने के लिए शिक्षा मंत्री से करूंगा गुहार। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कैमूर जिले के सभी प्रखंडों में तेज रफ्तार पकड़ी डोर टू डोर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत रामगढ़ प्रखंड के विभिन्न बाजार और घर घर जाकर लाभार्थियों को लगाए गए 1000 से ज्यादा डोज। दोस्त को मुंडेश्वरी घुमाने ले जाने के बहाने से युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को चैनपुर पुलिस ने करवंदिया से छापेमारी कर किया गिरफ्तार। चैनपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार 3 आरोपियों में अमरजीत चौहान, संजीव चौहान और मुलायम चौहान बताए गए हैं। कुदरा पुलिस ने गश्ती के दौरान एक वाहन से 14 मवेशी के साथ 2 पशु तस्कर को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कुदरा थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया, पुलिस गश्ती के दौरान एक वाहन से बरामद किए गए 14 भैंस जबकि साथ ही 2 पशु तस्कर भी हुए गिरफ्तार। रामगढ़ प्रखंड के बीआरसी परिसर में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों का प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी व क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। रामगढ़ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सतीश कुमार ठाकुर ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने उम्मीद से उम्दा दिखाया विज्ञान प्रदर्शनी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुर्गावती भाजपा कार्यालय पर पूर्व विधायक अशोक सिंह द्वारा जनता दरबार लगाकर क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुन निराकरण का दिया आश्वासन। पूर्व विधायक अशोक सिंह ने बताया, जनता दरबार लगाने से मालूम होती जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं।